से जुड़ी बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा अटक गई है। जातीय संतुलन के कारण ये नई टीम की घोषणा अटकी है। एक ही जाति के कई दावेदार सामने आ गए हैं, इस वजह से पेच फंस गया है। काशी और अवध क्षेत्र में सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा होनी थी, उसकी सूची अब अटक चुकी है क्योंकि जातीय संतुलन बनाने के कारण टीम की घोषणा फिलहाल नहीं हो पा रही है। एक ही जाति के कई दावेदार होने से पेच फंस रहा है। सबसे ज्यादा काशी और अवध में पेच फंसा हुआ है क्योंकि एक ही जाति के कई दावेदार सामने आ रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर है। निकाय और 2024 चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश कार्यकमिति की आज बैठक होने जा रही है। कानपुर के विजय विला होटल में इस बैठक का आयोजन होगा। बैठक में मोर्चे के जिला और महानगर अध्यक्ष शामिल होंगे। मोर्चे के जिला और महानगर उपाध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। ओबीसी वर्ग को आज बड़ा मैसेज देगी बीजेपी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सभी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। न सिर्फ निकाय चुनाव को लेकर पर लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। नगर निकाय चुनाव से पहले कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक आयोजित होगी। बैठक कानपुर के विजय विला होटल में आयोजित की जाएगी। निकाय चुनाव को देखते हुए बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ओबीसी वर्ग को बीजेपी बड़ा मैसेज देने वाली है। इस बैठक में सभी 98 जिला और महानगर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष शामिल होने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, केंद्रीय मंत्री पीएल वर्मा भी शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम के भी शामिल होने की उम्मीद है। तो कानपुर में ये अहम बैठक बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की आज होने जा रही है, जिसमें कई पदाधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। नगर निकाय चुनाव के लिहाज से भी और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। नगर निकाय चुनाव से पहले कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक आयोजित होगी। ये बैठक कानपुर के विजय विला होटल में आयोजित की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अनुराग, आपके पास आएंगे, आज अहम बैठक होने जा रही है, कितनी देर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो बैठक है बहुत ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछड़ा वर्ग जो है बीजेपी का, उस मोर्चे की बैठक है, और दूसरी बात इसमें बहुत सारे दिग्गज आने वाले हैं। दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश के, वो भी यहां पर मौजूद होंगे। इसके साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, और इसके अलावा जो आयोग के चेयरमैन है, वो सब भी यहां पर मौजूद होंगे। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी नगर निकाय चुनाव से पहले और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। हम आपको थोड़ा सा नजारा दिखाना जरूर चाहेंगे पीछे की तरफ, कि यही हम लोग वो होटल है जहां के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं, और पूरा यहां पर होर्डिंग से पटा हुआ है। यहां पर सबके स्वागत की तैयारी हो चुकी है, और बहुत ही जल्दी यहां पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी आने वाले हैं, और जैसा कि बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर मौजूद होंगे। यहां पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद होंगे। उनको एक गुरु मंत्र दिया जाएगा नगर निकाय चुनाव से पहले और लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले। इसके साथ ही साथ आपको एक जानकारी दे दें कि यहां पर अगर हम कानपुर की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो बीजेपी के लिहाज से पूरा प्रदेश 98 जिलों में बटा हुआ है, और उन 98 जिलों के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी महामंत्री हैं, वो सब भी यहां पर मौजूद होंगे। इसके साथ ही साथ जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसके भी कार्यकर्ता, अध्यक्ष, महामंत्री, वो सब भी यहां पर मौजूद होंगे। तो एक बहुत अहम और बहुत ही बड़ी बैठक ये मानी जा रही है इस लिहाज से, क्योंकि बीजेपी कहीं पे भी कोई सर नहीं छोड़ना चाह रही है। अगर हमने देखा हो तो पिछले भी कई दिनों से देखने को ये मिला था कि एक धर्म को लेकर और पिछड़े वर्ग को लेकर आपस में बहुत सारी बातें उठी थी, तो उसको देखते हुए भी ये काफी अहम बैठक मानी। बिल्कुल, एक अहम संदेश आज ओबीसी वर्ग को बीजेपी देने जा रही है। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज होगी।
आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।